हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। और आज हम आए हैं कातराज लेक, जो कि राजीव गांधी जू है, उसके थोड़ी दूर पर स्थित है। दोस्तों आज हम वहां पर आए, तालाब दिखाते हैं हम आपको, पूरा बहुत ज़्यादा पानी है, मस्त इधर बतख तैर रही है नीचे। इधर है वाटरफॉल, बहुत सारा पानी गिर रहा है नीचे, ज़ोरदार आवाज़ आ रही है थी। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारा है। और इस साइड है एक संभाजी महाराज के स्टैचू, शायद जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पर। और हमारे साथ दीपक भी है। हेलो दीपक, मज़ा आ रहा है कि नहीं घूमने में? बहुत मज़ा आ रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं दीपक को साथ में ले जाते हैं घूमने के लिए, है ना दीपक? यस। कैसा लग रहा है तालाब? नज़ारा है भाई, फोटो खींचने के लिए अच्छी जगह है ना? यस। और रात को ना ये पूरा लाइट ही लाइट, लेजर लाइट रहता है दोस्तों, ये पूरा चमकता है, लेजर लाइट शो भी चलता है यहाँ पर रात को एक घंटे के लिए। तो आप रात नाइट व्यू भी दे सकते हैं, आप रात को कभी भी घूमने आओ। Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clear. यहाँ पे कातराज क्लब, जो कि पूना का बहुत काफी बड़ा क्लब है। और यहाँ पे एक स्टैचू भी है, ये पता नहीं हमें किसकी स्टैचू है, काफी प्यारी है दोस्तों, काफी अच्छी है। इस जगह को ना कातराज लेक के नाम से जाना जाता है, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे एक जॉगिंग पार्क भी है, जो कि यहाँ के लोकल के लोग सुबह शाम घूमने के लिए, टहलने के लिए आते हैं। आप चाहो तो फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्लेस है। इस लेक पे आने के लिए दो रास्ते हैं, लेकिन जो मेन दरवाज़ा मैं उससे नहीं आया, जो शॉर्टकट रास्ता था उससे आया मैं। अभी हम जा रहे हैं जॉगिंग पार्क की तरफ, चलो हम जॉगिंग पार्क ही दिखा दें आपको। काफी लोग भी हैं यहाँ पे, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। लेडीज लोग भी हैं, क्योंकि आप फैमिली पार्क सभी लोग आ सकते हैं। और इस तालाब के पास काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, एकदम आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर पानी की लहर आ रही है, एकदम रिलैक्स हो सकते हैं। काफ़ी लोग बैठे हैं मस्त, मैं देख रहा हूँ एक दो घंटे से एक लोग बैठे हैं यहाँ पर।